नमस्कार, मैं हूं नरेश्वर और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता कल ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में शुरू हो रही है। 24 राज्यों के पुलिस और सशस्त्र बल के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी आज भारत तिब्बत पुलिस सशस्त्र बल के महानिदेशक ने जानकारी दी। उनका कहना था कि हर साल इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसका मकसद सशस्त्र बलों और पुलिस के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। अर्थ प्रकाश टीवी संवाददाता राहुल तिवारी की ये खास रिपोर्ट। हम लोग ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में जो स्थित है, उनके द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत हम लोग भारत तिब्बत सीमा पुलिस को यह जिम्मेवारी दी गई कि इस वर्ष के ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप को पंचकुला में कराया जाए। तो इसके बारे में आपको कंट्रोल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि सन 1950 में ये डिसीजन लिया गया कि एक ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स मीट का फर्स्ट गेम्स जो थी 1951 में कटक उड़ीसा में ऑर्गेनाइज की गई और इसमें ईच स्टेट डोनेटेड सिल्वर ट्रॉफीज फॉर ईच ऑफ द 22 इवेंट्स दैट वर कम्पीटेड फॉर एंड अ स्पेशल सिल्वर मेडल वाज डोनेटेड बाय होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेस्ट एथलीट। तो ये 1951 से ये सिलसिला शुरू है और इसमें डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं इस बोर्ड के, और इस समय श्री अरविंद कुमार हैं वो चेयरमैन ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के, और इन एडिशन एक आईजी रैंक के नॉमिनेटेड अधिकारी रहते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड रहते हैं ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के। द मेन एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इज कैरिड आउट बाई टू गवर्निंग बॉडी and Central Coordinating Committee of All India Police Duty Meet. These all comprise of 10 members, each including chairman and the secretary. The member of the board is elected for a period of 2 years and the election of the board members are held during the DG and IG conference. It is held annually and all the states and UT police forces are supposed to participate in this, and all central armed police forces, that includes BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, Assam Rifle, and Police Sports Board Control Board organizes coaching camps for police sports person selected before commencement of each national. वो श्री परमजीत जो ICCRPF के हैं, वो अर्जुन अवॉर्डी हैं, 1998 के ओलंपियन भी हैं और इस समय टीम मैनेजर CRPF के तौर पर वो हमारे बीच यहाँ आए हैं। इन्होंने जो मिल्खा सिंह जी का 38 साल पुराना रिकॉर्ड 400 मीटर रन में था विद ए टाइमिंग ऑफ 45.7 सेकेंड्स के साथ ब्रेक किया और एस्टैब्लिश न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 1998 एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। ही अगेन क्रिएटेड न्यू नेशनल रिकॉर्ड 400 मीटर 45.56 सेकेंड इन 2000 एट बैंगलोर। एक और खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं हमारे भी यहाँ रिपोर्ट किए हैं, जिनका नाम श्री तुल्लाई नारजरी है, ये असम पुलिस से हैं। इन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल शॉटपुट एंड विनर ऑफ गोल्ड वर्ल्ड पुलिस मीट में गया।
वजह से हमारे प्रोग्राम जो है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सारे इवेंट्स होंगे। तो द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट, इवेंट्स जो हैं वो मोस्टली ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रहेंगे। फ्यू इवेंट्स हैमर थ्रो वगैरह के वो हमारे कैंप में होंगे। तो मेन इवेंट जो है वो सारा ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो हमारी अपने कैंपस में यहाँ के परेड ग्राउंड में की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।